तो स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। दोस्तों, आज मैं आपको घर पे खोया यानी के मावा बनाना सिखाने जा रही हूँ। त्योहारों का मौसम हो और खोए की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खोया त्योहारों में बनने वाली मिठाइयों का, डिशेस का, पकवानों का बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे ये देखिए कितना दानेदार, कितना अच्छा, ये देखिए आप ये ग्रीजीनेस देख रहे हैं, इसको जैसे ही मैंने छुआ ये कितना ग्रीजी तैयार हुआ है, इसमें कितना घी है एकदम, ये देखिए एकदम असली खोया गाय के दूध से बना करके मैंने तैयार किया है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के, ये सिर्फ प्योर दूध से तैयार किया है। इसमें मैंने और कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई और इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला है। बहुत ही आसान तरीके से बन करके रेडी हो गया है, तो चलिए हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सही कढ़ाई का चुनाव करना है। कढ़ाई ये देखिए मैंने ये वाली ली है, ये बहुत मोटी है, इसमें कुछ भी चिपकने वाला नहीं है, ऐसी ही कढ़ाई अच्छी रहेगी खोया बनाने के लिए। तो अब मैं इस कढ़ाई को पहले गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें अपना दूध डालेंगे, पूरा मलाई के साथ हमको दूध डालना है। मलाई निकला हुआ दूध इसमें बिल्कुल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, फुल क्रीम दूध लेना है हमें यहाँ पे। जितने दूध का आपको खोया बनाना है वो सारा दूध हम यहाँ पे डाल देंगे। मेरा ये दो तीन दिन का दूध इकट्ठा हो गया था, मैं वो सारा दूध इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे, अब आप चाहे तो गैस को भी तेज कर सकते हैं और इसको यहाँ पे अच्छे से उबालना है। पहले भी मैंने दूध को उबाल लिया है, ताकि क्योंकि मेरा तो बचा हुआ दूध है, आप चाहे तो फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं, कि वो फट ना जाए इसमें, इसलिए उसको एक बार पहले भी उबाल करके तब इस्तेमाल करने है। और ये फुल क्रीम का दूध यहाँ पे है और अब हम इसको बॉईल कर रहे हैं। ये देखिए ये दूध में उबाल आ गया है, अब यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, या तो आप इसको इस तरीके से घोटते रहे लगातार, ताकि ये उबल के गिरे नहीं और आपको गैस भी यहाँ पे धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा संभालना है ताकि ये चिपके नहीं, गिरे नहीं, बहुत सारी बातों का इसमें ध्यान रखना है। साइड में से भी इस तरीके से इसको निकालते रहना है। और एकदम इसको नीचे से चलाना है, क्योंकि चिपकेगा तो नीचे से ही चिपकेगा, तो इसको हमें नीचे से अच्छे से चलाते रहना है। ये देखिए ये दूध है ना, अभी 10 मिनट हो गया है यहाँ पे इसको पकाते हुए, और थोड़ा थोड़ा सा ये रिड्यूस होना भी शुरू हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि शायद थोड़ा सा कम होने लग गया है। बस इसी तरीके से इसको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, आपने जहाँ छोड़ा वहाँ पे लग जाना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एक ब्राउन कलर का आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, वो देखिए एक सेकेंड आपने छोड़ना है और बस वैसा लग जाना है, इसको एकदम लगातार हमको चलाते रहना है। इस तरीके से ये देखिए ये कितना कम हो चुका है, बट अभी भी इसको बहुत कम होना है। तो टाइम टेकिंग तो है प्रोसेस, लेकिन आपको जो घर में सामान तैयार होता है वो एकदम शुद्ध होता है, तो समय लगा करके थोड़ा सा अगर आपको शुद्ध सामान एकदम मिल रहा है तो क्या बुरा है, जरूर ये समय लगाइए और इस वीडियो पे बने रहिए।
ये देखिए ये काफी गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे और अब इसको यहाँ पे और भी ज्यादा देखने की जरूरत है, और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इसको लगातार इस तरीके से घोटते रहना है। खूब घुटा हुआ ही होता है खोया। आप कभी भी खोया मंडी या खोया मार्केट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे जो हलवाई है ना, इसको ऐसे ऐसे घुटते हुए मिलेंगे। तो खोया तो वही होता है जो काफ़ी घुटा हुआ होता है, और उसको इस तरीके से हमें लगातार चलाते रहना है, घुटते रहना है। इस स्थिति में आने के बाद ना ये उछलना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा इसमें से छींटे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, अपने हाथ वगैरह बचा के ही इसको करना है। आप चाहे तो वो ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी गैस धीमी ही रखनी है। ये देखिए ये आपका खोया यानी कि मावा ये बनकर के बिल्कुल तैयार है। एकदम ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है, यानी कि ये तैयार है, और यही इसकी पहचान होती है कि ये बिल्कुल एकदम कढ़ाई छोड़ने लग जाए। बस इसको हम जरा सा यहाँ पे और भून देंगे ताकि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। अभी हम इसको स्टोर करेंगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मगर हम थोड़ा सा इसको भून करके रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन हमारे काम आएगा, और हम इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यदि आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी हो तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा भून सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका शुद्ध दानेदार एकदम घर का खोया बन करके तैयार है। जब त्योहारों का सीजन होता है ना तो खोए की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय पे खास करके खोए में बहुत ज्यादा मिलावटों के मामले आते हैं। आप न्यूज में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा छापेमारी होती है खोया मार्केट में, और बहुत ही ज्यादा नकली खोया वहां से बरामद किया जाता है। तो आप थोड़ा सा टाइम लगा करके इसको अपने घर में बनाइए। आप साथ साथ में अपना कुछ और भी काम करते रह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डेडिकेटेड टाइम इसी को देना है। आप साथ में अपने दूसरे काम करते रहिए और साथ में इसको चढ़ा दीजिए और साथ साथ बनाते रहिए, तो आपका ऐसा एकदम खोया घर में तैयार हो जाएगा। और इससे आप कोई भी अपनी मिठाई हो, पकवान हो, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं, और मैं आगे भी इसकी बहुत सारी रेसिपीज बनाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें।